अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप सबके? तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी यकीनन अल्लाह के फ़ज़लो करम से ठीक होंगे। तो अभी असर की अजानें होने लगी हैं, तो मैं सोच रही इससे पहले फटाफट मैं एक व्लॉग बना लूँ ताकि व्लॉग मिस ना हो जाए कहीं। तो मेरा अक्स भी आ रहा है धूप में, मैं दूर से आपको दिखाती हूँ, यहाँ नहीं आ रहा होगा यकीनन। तो चले, मैं ये मेरा बेचारा चारकोल का उस दिन का टेक्सचर, इसकी बारी नहीं आती कैसा हो गया हुआ, अब मैं देख रही हूँ उसे लोग के दौरान ही। तो थोड़े मैं ग्रीटी टेक्सचर की यहाँ क्रम्बलिंग करती हूँ आपके लिए, ये भी टेक्सचर बस मेरे बेचारे ऐसे ही हैं, एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। अच्छा, पहले आके मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा व्लॉग बाद में बनाऊँगी। तो अब मुझे यूँ लगा कि असर की जाने भी हो जानी है, तो फटाफट वो लोग पहले बना लूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना मेरा आजकल उधर गोला से मार वाले चैनल पे आ रहे हैं, इसलिए कि पता नहीं उसमें कुछ मसला है, समझ नहीं आती, वीडियो अपलोड ही नहीं होती, जब लगाते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है। उस दिन भी अपलोड मैं करती रही हूँ लेकिन रात 11 बजे के बाद कहीं जाके दूसरे चैनल पर फिर मैंने अपलोड की, मैंने कहा रहने तो नहीं हो रही तो इतनी खपाई। अच्छा, ये अलग टेक्सचर है, ये बेचारा फिर अंदर ही आ जाता है, ये मड वाला टेक्सचर है, इसको भी कुछ करेंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए स्मैशिंग वीडियो भी बना ही ली, इतनी रिक्वेस्ट थी स्मैशिंग वीडियो बनाएं, तो अल्लाह का शुक्र आज स्मैशिंग वीडियो भी बना ली है। ये मेरा ग्रीटी टेक्सचर है, आप सबका फेवरेट, ये पहले भी 2-3 दफ़ा व्लॉग में क्रम्बल किया है, ऐसे किया ही नहीं है, वीडियो नहीं इसकी बनी, लेकिन आज एक ग्रीटी टेक्सचर की भी वीडियो मैंने बनाई है। ग्रीटी लवर्स परेशान ना हो, ग्रीटी टेक्सचर लवर। अच्छा, आप लोग मेरी तबीयत का पूछे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है तबीयत, बाकी आप सबका इतना शुक्रिया मुझे पूछने का, मुझे दुआएं देने का, प्यारी प्यारी सना खालिद, अच्छा सना खान और इफ़त, इफ़त रबाब भैया, नाफिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, हिना शर्मा, इतना आप लोगों ने पूछा, इफ़त आफरी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जब से ब्लॉग चैनल रुका है ना किसी के कमेंट्स पढ़े ना नाम लिए, समा नाज, इतनी रिक्वेस्ट थी प्लीज़ व्लॉग बना लें। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, कह रही थी कि कोई बात नहीं आप जिस भी चैनल पे अपलोड करें हम देख लेंगे व्लॉग, तो मैं खुद यही सोच रही हूँ कि ये ना आप लोग मेरे व्लॉग चैनल को भूल ही जाओ इस चक्कर में, तो वीडियो इधर फ़िलहाल अपलोड होंगी व्लॉग की। कल मैंने किसी से बात की है, मेरा कज़न है, उसने मुझे चैनल बना के दिया था, सबसे पहले बना के नहीं दिया था, मतलब उसने तो जो शुरू शुरू के जो स्पिन वगैरह वाले काम उसने करवा के दिए थे, तो उससे बात की थी कि क्यों नहीं हो रहा ये वीडियो अपलोड, क्यों नहीं हो रही उस पर, देखते हैं अब क्या हल निकलता है। एक दो बड़ी शेप्स भी कर लें क्रम्बल, अब ये 4 रह गई हैं, ये सिर्फ ये व्लॉग में मुझे लगता होंगी क्रम्बल, इसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये पास मड वाला टेक्सचर है, ये भी मिक्स हो रहा है, ये सैंड मड है लेकिन ये हार्ड है। इसका लिक्विड सेपरेट करेंगे तो ये कुछ सही होना है। इसमें बहुत टाइम लग जाना है। चलें जी, मैं सोच रही सारा ग्रीटी टेक्सचर व्लॉग में ही क्रम्बल कर देते हैं,
क्योंकि वीडियो तो अब इसकी बननी नहीं, काफ़ी छोटी बनेगी बनी तो। क्या ख्याल है आप लोगों का भी? इसको मैं थंबनेल लूँ पहले। अच्छा आर एम एस एम आर, उनका भी नाम याद आ गया, वो भी पूछनी थी। थैंक यू सो मच आपका। नाम तो बहुत सारे हैं तो प्रॉपर फिर जब व्लॉग में आप सबके कमेंट्स पढ़ेंगे या इंशाल्लाह नाम भी सबके लूँगी मैं। तो खैर ले जो भी, चलें थोड़ा इसको डैम करके क्रम्बलिंग करते, आप लोगों को पसंद भी है वो ग्रीटी टेक्सचर भी हो। अब पता नहीं उठाया जाए कि ना। ये भी एक रह गया, इसको भी कर ही लेते हैं क्रम्बल। चलें सारा ग्रीटी टेक्सचर हो गया। ये अब देखें ना, इस साइड पे चारकोल भी लग हो गया है। मेरा दिल कर रहा है अब इसमें वीडियो बना लूँ क्योंकि ये टेक्सचर बहुत ख़राब हुआ है मेरा।
चलो ये चारकोल, इसकी भी हो सकता कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो अच्छा, ये मैंने आज आखिरकार इतने दिनों बाद अपनी इस लैब भी बनाई थी, अभी क्रम्बल कर दी है व्लॉग में, व्लॉग में नहीं सच उसकी वीडियो बनाई है। अच्छा, ये बहुत अच्छा मेरा टेक्सचर है, मुझे इतना पसंद है ना ये। इसका डिस्प्ले लास्ट में वो मैंने किया था, इस वीडियो के ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आया था। ये मेरा ग्रे टेक्सचर है, इसमें चारकोल और वाइट टेक्सचर मिक्स है। असर की जाने होने लगी, मैं फटाफट कहीं और जाऊं। अच्छा, ये येलो टेक्सचर है, इसमें मैंने डाल दिए ब्लैक स्टोन और इसकी बेचारे की हालत लगता ही नहीं है अब ये येलो है। जो शेप टूटी है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा ऊपर नीचे क्यों हुआ है। लेकिन अब ये कि ये हार्ड नहीं है, ये जब भी मैं क्रम्बल करती इतना हार्ड हो जाता था, ख़राब कलर की वजह से। इसमें मैं जो था येलो रंग ही डाल दूँ। चलें जी, ये अजाने होने लग गई थी, लेकिन अब दूर की अजाने हैं वो पकड़ो मुझे टैक्सी। ये जो थोड़े टूटे टूटे इनको क्रम्बल कर लेती हैं, लो पानी में, थोड़े पानी में बनाए हुए हैं। अच्छा, ये टेक्सचर इतना अच्छा हो गया, कम पानी में बना हुआ, इसमें ब्लैक स्टोन डाले हुए हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहे हो। इसमें ये शेप्स पकड़ के दिखाती हूँ, ये अभी डैम है, यहाँ से चेक करें आप, थोड़े थोड़े स्टोन है, लेकिन इसका कलर थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा है। अच्छा, ये दूर की अजानें हो रही हैं, करीब की हमने अजान सुन ली है। ये ना आप लोग के अजान में ही लोग बनाए जा रहे हैं, इनको ना अलग करके इनका अच्छा, चलो ऐसे साथ साथ कर देना ताकि। चलो, इसकी पूरी वीडियो, वो मेरा जूता अंदर आ रहा है, पूरी इसकी वीडियो ही बन जाएगी। ठीक है, छोटी सी तो बनेगी क्योंकि टेक्सचर काफ़ी सारा ना, कुछ तो क्रम्बल कर दिया और कुछ साइडों पर आया, तो चलो देख लेंगे। ठीक, मैं कहीं और जाती हूँ, तो काफ़ी पसंद की थी इसलिए मैं सोच रही मैं इसके अंदर कर लूँ दोबारा क्रम्बलिंग। पहले इसके अंदर टेक्सचर रखते हैं थोड़ा सा। चलें, इसकी अब एक तस्वीर ले लेते हैं, यूं करके लेते हैं जूम। चलो ना थी, इसकी तस्वीर बनाओ। बैटरी लेवल,
अपनी स्किन है ब्राउन मड बन जाएगी। इसको अभी किसी पानी में डालते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरे मोबाइल की बैटरी का मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि बैटरी लो। निम्रा वो जो उधर रखा था ना टेक्सचर, वो मट्टी सख्त वाला वो इधर ले आओ, इसको वो इकट्ठा कर देते हैं।